तो कैसे हो, हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि हम अपने मोबाइल में खुद वॉलपेपर बनाकर कैसे लगाएं। अगर आप भी अपने मोबाइल में ऐसा वॉलपेपर बनाकर लगाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक हो सके। तो हम ओपन कर लेते हैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ओपन करते ही जैसे कि आपको ये ऐप नज़र आ रहा है, आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐसे टाइप कर आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो जैसे कि हमने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा हमें। तो हम ऊपर लाइव वॉलपेपर चले जाएंगे। यहाँ पर आते ही हमें यहाँ से सबसे पहले हमने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करनी है। तो आपसे ये जो भी परमिशन मांगे तो आपने सबको अलाउ कर देना है। जैसे कि मैंने इसको पहले से ओपन किया हुआ था तो हम इसको यहाँ से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप कोई भी अपनी फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगाई हुई है तो यहाँ से आप क्लिक कर अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है तो यहाँ से हमें हम कितनी देर के लिए इसको लगाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी पिक्चर पर जो फ्रेम लगाना चाहते हैं वो भी लगा लेंगे। तो हम कोई नहीं लगाना चाहते, हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से हम अपनी पिक्चर जो वॉलपेपर बना रहे हैं वो किस में बनाएंगे, 2D या 3D या 4D, तो हम 3D में कर लेते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप इनका साइज सेलेक्ट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से। और आप यहाँ पर जो वॉलपेपर आपको कलाक नज़र आएगी वो भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ से लगा सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसका कलाक का साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं तो हम यहाँ से छोटा ही रहने देंगे। यहाँ पर हम अपना नेम भी लिख सकते हैं तो हम नेम को छोड़ देते हैं। आप अपना नेम भी लिख सकते हो। यहाँ से कलर नेम सेलेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ से इमोजिंग साइज सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ से आप कोई भी साउंड सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अपने मोबाइल को टच करोगे तो ये साउंड चलेगी। यहाँ से वॉल्यूम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये मुकम्मल सेटिंग होने के बाद यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक ऐड चलेगी, आपने इस ऐड को ख़त्म कर देना है। जैसे कि हमारा ये वॉलपेपर तैयार हो चुका है। आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर बना सकते हो, जैसे आप अपने मोबाइल को हिलाओगे तो ये भी साथ में हिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।